फोटो है जी। मैंने एक हलाले के लिए निकाह करा था, उस हलाले के लिए निकाह को मतलब मुझे एक आदमी बब्बू नाम के सरफराज नाम के आदमी से निकाह करा था, उनसे मतलब अब मतलब हलाले के लिए निकाह करा था, अब उनसे तलाक लेना चाहते हैं, वो तलाक नहीं दे रहे हैं, और दोनों बच्चों को मुझे एक करना है का, मुझे अपने पहले शोहर के पास जाना है का, इसलिए क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगा। क्या उम्र है जिनसे निकाह हुआ है? उनकी 65 साल। बच्चे किसके पास हैं? बच्चे एक अपने पापा के मतलब एक जावेद के पास है, एक मेरे पास है। तो आप क्या चाहते हैं फरज जी से? हम फरज जी से ये चाहते हैं कि हमारा मतलब वहाँ से उनसे डिवोर्स मिल जाए सरफराज से, और हमारे दोनों बच्चे जावेद और हम दोनों निकाह कर लें, अपने दोनों बच्चे एक कर लें, बच्चों के भविष्य की ज़िंदगी का सवाल है। हलाले की बात पे जूही ने बरेली के एक सरफराज नाम के बुज़ुर्ग 65 वर्षीय बुज़ुर्ग हैं सरफराज, उनसे बात की कि ये हमें शादी करना है इसलिए हमें आपसे हलाला करना होगा, वो एग्री हो गए और ये जूही और सरफराज जी के बीच की बात हो गई। हलाला होने ये निकाह होने के बाद 10-15 दिन जूही वेट करती रही कि सरफराज जी तलाक दें तलाक दें। पहली बात तो जो सरफराज नाम के बुज़ुर्ग हैं वो ना तो कुछ काम धाम करते हैं, कुछ उनके पास रोज़गार नहीं है जो जूही के, अगर वो ठीक है तलाक नहीं दे रहे हैं तो जूही के बच्चों को पालने में सक्षम हो, जूही को पालने में सक्षम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। आज जूही जब तलाक मांग रही है, 15 दिन वहाँ रही, 20 दिन रही, लेकिन उन्होंने किसी कीमत जूही को तलाक नहीं दी, जूही अपने घर आ गई वापस। अभी तक इतने साल हो गए लेकिन वो किसी कीमत तलाक देने पर राज़ी नहीं हैं। जब जूही अपना केस हमारे पास लेके आई तो हमने उन बुज़ुर्ग से भी बात की कि आप तलाक क्यों नहीं देते, क्योंकि ये भाई बच्चों के भविष्य का सवाल है, यहाँ पे हम पति पत्नी को ना देख के मेन फोकस बच्चों पे रख रहे हैं, क्योंकि एक बेटे से माँ का प्यार छिन रहे हैं, एक बेटे से बाप का प्यार छिन रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य सगे माँ बाप के साए में ही बन सकता है, तो इन लोगों का आप इनको तलाक दे दीजिए ताकि ये लोग अपना घर बसा सकें, जावेद और जूही। तो उन्होंने बोल दिया कि हम किसी कीमत तलाक नहीं देंगे जूही को, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप हमें जेल करा लें। तो इसका दूसरा रास्ता शरीयत के तौर पे अगर हम देखें तो इसका दूसरा रास्ता ये बनता है कि इसमें शहर काजी को ये अथॉरिटी है कि वो जूही को खुला करवा सकते हैं, सरफराज को बुला के बात करके, एक टाइम रहता है, टाइम पीरियड जो भी है, वो शहर काजी जी को उसका अधिकार है। तो हम एक जूही के हाथ एक तहरीर शहर काजी की अदालत में भिजवाएंगे, जूही को और जावेद को शहर काजी की अदालत में पेश करेंगे ताकि वहाँ से शरई मसले मसाइल हल हों।